नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। भारत के शीर्ष क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए IBSF विश्व स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में ईरान के आमिर सरगोश को हराकर एक और विश्व खिताब अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में आडवाणी ने 8-2 से जीत दर्ज कर अपना 18वां विश्व खिताब जीता है। बेस्ट ऑफ 15 फ्रेम के प्रारूप में खेले गए फाइनल में सरगोश ने पहला फ्रेम जीतकर 1-0 की बढ़त कायम की। हालांकि इसके बाद आडवाणी ने लगातार 4 फ्रेम जीतकर 4-1 से बढ़त बना ली। छठे फ्रेम को सरगोश ने 134 रन के स्कोर के साथ अपने नाम किया, लेकिन आडवाणी इससे विचलित नहीं हुए। उन्होंने अगले 4 फ्रेम जीतकर एक और स्वर्ण पदक हासिल कर लिया। आपको बता दें, आडवाणी ने मुकाबला 1979, 78, 63, 64, 107, 137, 143, 4, 77, 13, 67, 47 से जीता है। इससे पहले आडवाणी ने कड़े सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के युवा खिलाड़ी फ्लोरियन नूबल को 7-4 से हराया था। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी 11 में से 4 फ्रेम जीतने में सफल रहा, लेकिन आडवाणी ने 50, 57, 68, 67 और 80 के फ्रेम में जीत दर्ज की। तो आपको बता दें कि 18वां विश्व खिताब नाम किया है अपने पंकज आडवाणी ने, जो बेहद ही गर्व की बात है। डेली डायरी की रिपोर्ट।